नमस्ते स्वागत है आपका आज के वीडियो में तो आज हम बात करेंगे आज है आपका कितना तारीख है आज फोर्थ ऑफ अक्टूबर है तो फोर्थ ऑफ अक्टूबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आ, कल फिर आपका इकोनॉमिक टाइम्स नहीं आएगा सो तो मोस्ट ऑफ एवरी कल वीडियो अपलोड नहीं करूँगा सो so, जैसे हमने ऑलरेडी बात किया था कि दो चीज़ आपको समझना पड़ेगा एंड uh, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सुबह मैं अपलोड नहीं कर सकता बिकॉज सुबह मेरे को बहुत सारा काम रहता है सो so, uh, मैं जानता हूँ कि आप रिक्वेस्ट करते हैं बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू अपलोड इन द मॉर्निंग एंड सो मैं कोशिश करता हूँ दोपहर को या शाम को जो है अपडेट करने के लिए और उसी के साथ साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा ताकि हम आपको हेल्प कर सकें एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दी न्यूज़ फ्राम अ ट्रेडर्स पर पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम अ इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू सो वी कैन अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट इज मूविंग हमने ये बात किया था बिकॉज आर फॉर डेंटलिंग खत्म हो रहा है तो so, जब भी हम ऑयल परचेज करने जाएंगे तो हमारे पास पैसा नहीं होगा तो so, अभी हम क्या करेंगे वी विल बी वोशिंग टुअर्ड्स मोर जहाँ से हमें डॉलर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो so, वही हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रशिया बिकम्स इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फ्रूड सप्लायर ये uh, रशिया जो था आई थिंक बॉटम टेन में आता था uh, रशिया यूक्रेन वॉर के पहले अभी क्या है कि सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया बिकॉज हम जो है अभी डॉलर में परचेज नहीं कर सकते हैं सऊदी अरेबिया टॉप में है इराक थर्ड में है यू ए फोर्थ में है इराक इज़ ऑलरेडी इन्वेटेड बाई यूएसए और इराक को इन्वेट करने का मेन रीजन ये था क्योंकि इराक में बहुत ही है यू ए में ऑयल रिजर्व है और सऊदी में तो डेफिनेटली वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है ये तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा जब भी सऊदी इराक यू ए से हम परचेज करते हैं तो हमारा जो ट्रांजेक्शन होता है वो डॉलर के माध्यम से होता है एंड डॉलर बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव उसका मतलब सप्लाई कम हो गया है और हमारा फॉर रिजर्व खत्म हो रहा है तो हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हमें अपना जो आ, कैश है उसको हमें रिजर्व कर प्रिजर्व करना पड़ेगा उसको सही तरीके से रखना पड़ेगा तो हमारे पास क्या ऑप्शन है और हाँ और एक चीज़ मैं ये बोलना भूल गया था कि जब भी आप आ, किसी कंट्री को वर्ल्ड को कंट्रोल कं, करना चाहते हैं या किसी कंट्री सॉरी स्पेसिफिकली किसी कंट्री को कंट्रोल करना चाहते हैं उसके एनर्जी रिक्वायरमेंट को कंट्रोल कीजिए सो इंडिया जैसे है इंडिया के पास अगर रशिया से अगर वो रुपये में अगर डील नहीं करते तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाता ना कि भाई अरे आ, आ, ये प्रॉब्लम हो जाता कि भाई हमारा हम हमें फिर हमारा फॉरेस्ट रिजर्व खत्म हो जाता फिर श्रीलंका जैसा हालत हो जाता या पाकिस्तान जैसा हालत हो जाता या बांग्लादेश जैसा हालत हो जाता फिर हमें जो है यूएस के पास जाके बोलना पड़ता कि अरे थोड़ा हमें कर्जा दे दो कर्जा दे दो और फिर वो आपको कर्जा देगा आपको और भी कंट्रोल करेगा तो थैंकफुली uh, वो अभी नहीं हो रहा है वो होने के चांसेस बहुत कम है एंड एक्चुअली ये जो वैल्यू डॉलर का वैल्यू जो बढ़ रहा है वो एक्चुअली हम हेल्प कर रहे हैं एंड रशिया इज यू नो सप्लाइंग एंड कुछ दिनों बाद आप देखेंगे एक महीने दो महीने के अंदर रशिया विल बिकम दप्लाई टू इंडिया एंड दैट इज मतलब फॉर इंडिया एंड यहाँ पे जो है इंडिया अगर एनर्जी डिपेंडेंट हो जाता है तो फिर बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगा सेकंड चीज होता है कि अगर आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके फूड को कंट्रोल कीजिए अगर आप किसी देश को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके एनर्जी को कंट्रोल कीजिए और अगर आप पूरे विश्व को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके करेंसी को कंट्रोल कीजिए वही आपका अमेरिका करता है अमेरिका पूरे विश्व को कंट्रोल करता है अपने डॉलर के माध्यम से क्योंकि उसके पास ही मोनोपोली है डॉलर का और अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना पड़ेगा तो वहां पे अमेरिका का जो डोमिनेंस है कि बिना डॉलर के आप काम नहीं कर सकते तो वहां पे अमेरिका जो है पूरे विश्व को इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है और इस जाल से इस माया जाल से निकलने के लिए रशिया जो है सबसे बहुत बहुत मुश्किलों से जो है बहुत चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ रहा है रशिया उसका साथ दे रहा है अभी जो समय है समय रशिया का साथ दे रहा है और इस जगह पे इंडिया को भी अगर बेनिफिट करना है इंडिया को सरवाइव करना है रादर और बर्बाद नहीं होना है चाइना सॉरी श्रीलंका या पाकिस्तान जैसे तो हमें भी हमारे, एन, एन, एनर्जी आ, हमारे एनर्जी डिपेंडेंसी को हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट को हमें जो है सही से आ, कम मतलब प्रॉस्पर करना पड़ेगा एंड वी बी मोर एंड मोर एनर्जी सिक्योर तो इस जगह पे हमें जो है फोकस करना चाहिए सो so, इस चीज पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो, तो यहाँ पे इंडिया मे कंसिडर इम्पोर्टिंग मोर एशियन ऑयल दिस क्वार्टर एज रिफाइनर्स रैम्प अप रन्स टू मीट सीजनल राइस

Uh, मतलब रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको अप्रीशिएट कीजिए इसको शेयर कीजिए इसको लोगों को बताइए कि हम किस तरीके से अपने एनर्जी डिपेंडेंस को एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं विच इज़ ह्यूज डील फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे एटी फाइव परसेंट ऑफ आर क्रूड ऑयल इज़ कमिंग फ्रॉम आउटसाइड तो यहाँ पे हम किसी एक करेंसी की वजह से अपने देश को बर्बाद नहीं हो, होने दे सकते हैं तो यहाँ पे uh, आपको खुद अवेयर होना पड़ेगा खुद जानना पड़ेगा कि हाँ सिचुएशन क्या है किस तरीके से उसको फ़ेस करना है किस तरीके से उसको काउंटर करना है और कैसे आप अपने डायरेक्टली आप शायद से अगर कुछ नहीं कर पाएंगे तो आपको अपने सरकार के साथ अपने गवर्नमेंट के साथ खड़ा होना पड़ेगा जहाँ पे वो ऐसे डिसीजन ले पाएंगे ताकि ये सिटीजनस को बेनिफिट करें सो so, बहुत बढ़िया चीज़ एक्चुअली हुआ है बढ़िया खड़ा मुझे पता नहीं बट आप मुझे बताइएगा कि पेयू और बिलडेस का जो डील होने वाला था नियर अबाउट फोर पॉइंट सेवन बिलियन डॉलर का ये सी सी आई के पास गया था आपका कॉम्पिटिशन जो है इंडिया का वहाँ पे वो डील अप्रूव करते हैं तो ये बहुत ही एक बड़ा डील था लास्ट ईयर इन्होंने अनाउंस किया था कि बिलडेस को फोर पॉइंट सेवन बिलियन डॉलर में परचेज करके सी सी आई ने बोला था कि भाई यहाँ पे हम नहीं करना चाहते हैं कि भाई आ, एक मोनोपली हो जाए बट अक्टूबर में ये जानने को मिला दैट आपका ने बोल दिया कि भाई हम बिल्डर्स को नहीं करेंगे सो दिस इज समथिंग इज़ समेरी एंड यहाँ पे आपको ये भी समझना पड़ेगा हाउ द मार्केट दर्क एंड लोग कैसे पलटी मार लेते हैं सो so, uh, इस जगह पे सबसे बड़ा फायदा आई थिंक बिल्डर्स का होगा क्योंकि वहां पे एक तो हो जाता है कि उनका वैल्यूएशन उनको पता चल जाएगा एंड ऑल्सो मे बी जो कंपनी उसको परचेज करना चाहते हैं उनके पास पैसा नहीं है सो वट देस इट्स ओके एंड दे दे विल बी लुकिंग फॉर अनदर यू नो कंपनी टू सेल देखर एन इस जगह पे गूगल पे ये सारे जो कंपनीज है गूगल पे आई डोंट थिंक गूगल पे आएगा बिकॉज उन्होंने बहुत, बहुत इन्वेस्ट करके अपने ब्रांड को तैयार किया है बट समन वॉन्ट्स टू गेट एन द पेमेंट सेगमेंट क्योंकि ये डिक्लाइनिंग मार्केट हम बोल सकते हैं पेमेंट गेट वे का बिकॉज यूपीआई आने के बाद जो ये पेमेंट गेटवे का जो पहले चार्जेस ये सारे जो होते थे वो स्लोली एंड ग्रेजुअली द मार्केट इज इरोडिंग एंड डिक्रेडिंग ये मतलब दिस इज वट वी कॉल अ सनसेट मार्केट तो यहाँ पे जैसे फ्री चार्ज जो था फ्री चार्ज आई थिंक एक्सिस बैंक ने परचेज कर लिया था मोबी क्विक को, को भी शायद किसी ने परचेज कर लिया था सो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ दैट बैंक आई थिंक एक्सिस बैंक ने किया होगा तो उन्होंने देखा कि आ, बहुत आई थिंक फोर फिफ्टी मिलियन डॉलर में परचेज किया था बट वो ऐसा कंपनी था कि दे नेवर एक्चुअली मेड मनी ऑन इट बट स्टिल वो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं उसको एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं फोन पे भी जो है पेमेंट गेट का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है रेजर पे तो ऑलरेडी कर रहा है गूगल uh, पे भी इस जगह पे आ जाएगा बिकॉज गूगल इज सच अंपनी दे ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो दूसर डे उनको चाहिए और यूजर इन्फॉर्मेशन उनको पेमेंट गेट में से उतना पैसा लेके मतलब उतना उसका मतलब इट्स नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर देम कम्पेयर टू डेटा कलेक्शन एंड सर्व करने का सो डिप इंडसन ऑन ऑयल एंड ग्लोबल सिग्नल्स तो अभी हम वही बात करेंगे कि जो आपका ओपेक ने आउटपुट काटा है उसके वजह से जो है डॉलर का सॉरी आप ऑयल का प्राइस वो इंक्रीज हुआ है सो so, इस जगह पे वही हो जाता है ना कि ऑयल का प्राइस जो आप देना देते हैं दैट इज नॉट एक्चुअली वट द मटीरियल कॉस्ट इट इज ऑनली बिकॉज द सप्लाई हैज़ बिन कंट्रोल्ड इसके वजह से आपको इतना पैसा देना पड़ता है नहीं तो आप सोचिए ना कि आप दस साल के अंदर पेट्रोल दस बारह साल या चौदह साल के अंदर पेट्रोल फोर्टी एट रुपीज का मिलता था अभी उसका डबल डबल से भी ज़्यादा हो गया दाम तो ऐसा होना नहीं चाहिए एंड इट इज़ प्राइमरी बिकॉज एक तो है कि हमारे गवर्नमेंट ने बहुत ही उल्टा सीधा टैक्स उस पर लगा के रखा हुआ है दूसरा ये है कि जो प्रोडक्शन है प्रोडक्शन आप अगर देखते हैं तो इट वॉज ऑलवेज अबाउट ट्वेंटी फाइव डॉलर फिफ्टी डॉलर सिक्सटी डॉलर दाम अभी भी कम हो गया दाम अभी भी कम हो गया पर फिर भी आपको कम दाम में तेल जो है नहीं मिलता है इट इज़ बिकॉज एक तो है कि हमारे गवर्नमेंट का पॉलिसीज जो है वो सही नहीं है एंड दूसरा ये है कि जो सप्लायर है वो उसको पूरी तरीके से उसका मोनोपली है इस जगह पे जब आपके पास मोनोपली होती है तो आप पूरे मार्केट को जो है कंट्रोल कर पाते हो सो so, यहाँ पे वही इन्वेस्टर्स बुक प्रॉफिट ऑन मंडे ऑन कंसर्न ऑफ टाइटलिंग लिक्विडिटी कंडीशन सो क्वाइट इंटरेस्टिंग तो ये आपको जानना पड़ेगा समझना पड़ेगा यू यू कैन कैन अंडरस्टैंड द होल थिंग ऑल सो मेक डेफिनेटली मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी सो इट्स अज इंडियन इकोनॉमी एक्चुअली आई एम रियली हैप्पी बिकॉज पे इंडिया जो है हिंदुस्तान uh, एयरोनॉटिक्स जो है वो अपने लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर तैयार करा है दिस इज सच ए ह्यूज थिंग बिकॉज जैसे मैंने कहा कि इंडिया को अगर इंडिपेंडेंट मतलब इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाए ग्रो करना है तो यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हमारे डोमेस्टिक कंजन तो ठीक है बट uh, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको डॉलर में आएगा तो डॉलर में जब वो कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ज्यादा पैसा होगा या आपके पास ज्यादा वैल्यू होगा तो इस जगह पे हमें देखने को मिल रहा है दैट लाइट हेलीकॉप्टर प्रचंड इसका नाम दिया हुआ है अमेजिंग ने तो इस जगह पे जो है अभी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इसको बनाया गया है हिंदुस्तान एयरनाटिक्स लिमिटेड uh, ने बनाया है विच इज पी एस यू इट्स यू नो ह्यूज अचीवमेंट पी एस यू टिपिकली कोई काम वो कुछ करते नहीं है तो यहाँ पे पी एस यू कुछ काम कर रहा है एक्चुअली इकनॉमी को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है सो इट शोज दैट इट्स इट्स अ पॉजिटिव थिंग सो मेरे को तो देख के लगा था छोटा मतलब uh, छो, छोटा वर्जन है पाचे का बट स्टिल इंडिया में ये चीज तैयार हो रही है तो अभी हेलीकॉप्टर बना रहे हैं कुछ दिन बाद हम जेट्स बनाएंगे दैट विल बी अमेजिंग ऑलरेडी तेजस है बट तेजस को और भी अच्छे तरीके से अपग्रेड करना है सो इट कैन बी एट अ लेवल मिग मिग के लेवल का होगा सुखाए नहीं सुखाए ये सारे जो है मतलब दूसरे लेवल की हैं सुखाए एफ है, सिक्सटीन ये लेवल बहुत डिफिकल्ट है बट आप अगर जो टिपिकल मिग ट्वेंटी वन ये सारे लेवल के भी अगर आप कम्पीट कर पाते हैं सो दैट विल बी ह्यूज प्राइमरीली अभी यहाँ पे क्या होता है इंडिया में या विश्व में क्या होता है कि मॉनिटरिंग के लिए या रेकी के लिए उसके लिए ज्यादातर यूज किया जाता है टिपिकली uh, कॉम्बैट ऐसा होता नहीं है बट जब भी कॉम्बैट चाहिए होगा हमारे पास एक फ्लीट है सो so उस फ्लीट को भी हमें बना, बना मतलब ग्रो करना पड़ेगा एंड ऑल्सो मेन्टेन करना पड़ेगा सो दैट्स ग्रेट एक्चुअली इट्स अ ग्रेट न्यूज एंड विच शोज दैट द इंडियन डिफेंस सेक्टर इज ग्रोइंग स्लोली एंड ग्रेजुअली और उस जगह पे हमें आपका जो है ये सनराइज सेक्टर है तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं सो इट माइट बी अ गुड वे टू मेक मनी फ्रॉम योर Taliban bans park currency, so uh, this is something which I found very, very funny. So that's about it. FMCG sector is shrinking in September on week of uh, on week trade stocking. Market fall 10% compared to August. I'll say slightly to bounce back in October. And uh, consumer inflation hit all time high during this. I've already discussed so right now. जितना आप डिपेंड करेंगे फॉरेन uh, के ऊपर मतलब बाहर की बाहर की चीज़ों के ऊपर आप अगर, अगर अपना इनपुट कॉस्ट किसी भी बिजनेस का अगर इनपुट कॉस्ट अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो इनपुट कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर पाओगे सो यू विल बी लूजिंग आउट ऑन द मार्जिन एंड एफ एम सी जी बिजनेस वेट वेट इज़ वेरी स्लिम मार्जिन बिजनेस हाई वॉल्यूम लो मार्जिन बिजनेस एंड यहाँ पे जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो भी ब्रांड्स हैं दे विल बी डूइंग वेल इन टीयर वन टू सिटीज़ बट दे विल बी स्ट्रगलिंग इन टीयर थ्री एंड रूरल एरियाज एंड दैट इज वॉट इज हैपनिंग सो इनका जो मार्केट मार्केट ग्रोथ होना चाहिए था मार्केट कैपिटल Market share will be the same, the volume will be the same, but the expansion of volume because the way that Indian economy is growing as per the GDP, unka volume will cater, will grow as I said. Uh, so this is something where if you want to invest in FMCG, it will grow, but not as par with the GDP that we are expecting it to grow.

उटपुट कटी टी तो वहाँ पे वही हो जाता है ना कि आप जब सप्लाई काटते हो तो फिर आपका डिमांड बढ़ता है डिमांड बढ़ता है तो फिर आपका प्राइस भी बढ़ता है तो वही चीज ये कर रहे हैं कि इनका एक टारगेट है कि हम जो है अपना जो क्रूड ऑयल है वो इतने डॉलर के नीचे जो है वो नहीं बेचेंगे और वहीं पे हो रहा है सबसे ज्यादा सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन सा है फर्स्ट इज अमेरिका सेकेंड इज चाइना उसके बाद दूसरे कंट्रीज आते हैं तो पे इंडिया, है। है से से है। इंडिया भी परचेस कर रहा है सो so, ओपे बा बाकी जो कंट्रीज है उनके पास भी आर ऑल्सो नॉट एबल टू अफोर्ड डॉलर सो इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली ओपेक कंट्रीज का भी जो है डिमांड कम हो जाएगा तो डिमांड कम होगा तो प्राइस गिर रहा था वही हमने देखा तो अभी Uh, इसलिए उन्होंने अपना सप्लाई काटना बंद किया है ताकि वो डिमांड को बढ़ा सके एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक एज द कैश क्रंच विल गो ऑन डॉलर का जो अवेलेबिलिटी uh, वो रिड्यूस हो जाएगा ऑफ ऑयल एंड विल बिकम एक्सपेंसिव सो ये सारे जो देश है जो बेसिकली जिनको डॉलर में ट्रेड करना पड़ता है यूरोप ऑल्सो बिकमिंग अ काइंड ऑफ अ स्यूडो स्लेव ऑफ अमेरिका जहाँ पे वो डॉलर के माध्यम से ही ट्रेड कर सकते हैं सो so, वहाँ पे डोमेस्टिक अनरेस्ट शुरू हो जाएगा ऑलरेडी वो हो चुका है जर्मनी में सोशल अनरेस्ट हो चुका है हो रहा है जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है जहां पे मैं ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की बात कर रहा हूँ नॉट सेकंड वर्ल्ड कंट्री या इमर्जिंग uh, कंट्रीज या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज सेकेंड वर्ल्ड नहीं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में आपको देखने को मिला दैट दे विल बी रेज्यूम चेंज जो हमने इटली में देखा एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली रशिया में रशिया सॉरी जर्मनी फ्रांस ब्रिटेन यहाँ पे आप देखोगे कि पीपल विल बी कमिंग आउट एंड दे विल बी प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द दर्वमेंट बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल द्राइसिस एंड एवरी थिंग बिकॉज दे आर काइंड ऑफ फॉलोइंग कांगट द अमेरिका इज एंड अमेरिका के अंदर भी ये जो है डिस्प्यूट आस्ते आस्ते होने वाला है एंड वी कैन एक्सपेक्ट अनदर वॉर विद चाइना और ताइवान इस जगह पे सो दिस इज वेयर इंडिया हैज़ टू बेनिफिट यू हैव टू बेनिफिट यू हैव टू टेक मतलब उसको एक कहावत है ना नेवर लेट डिजास्टर गो टू वेस्ट एक कहावत है सो uh, so इस जगह पे आपको जो है देखना पड़ेगा आपको किसी का मतलब किसी को डैमेज नहीं करना है बट आपको अपना बेनिफिट देखना है अपने को ग्रो करना है सो यू मूव क्लोजर टू रशिया सेंशन डील विद ऑयल प्राइस कैप ठीक है ये सब चलता रहेगा सो इट वॉज नॉट अ बिग डील एट ऑल सो आई आई डोंट थिंक यहाँ पे अब हमने देखा भी था कि रशियन रूबल हैज़ हैज़ बिकमिंग बिकम मोर मोर एंड हैंग एंड अदर जो करेंसी uh, है वो गिर रहे हैं और फाइनेंशियल एक ब्लंडर शुरू होने वाला है क्रेडिट uh, सूज जो है वो गिरने वाला है वन ट्रिलियन डॉलर बर्डन लूम्स फॉर वर्ल्ड बॉर रीफाइनेसिंग डेट सो क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टाफ अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं सो ये ये बेसिकली एक जो रिसेशन है उसको क्या बोलते हैं स्टार्ट करेगा सो इट इट रिपल इफेक्ट या ब्रेक डाउन जो है इकोनॉमिक ब्रेक डाउन को ही शुरू करेगा सो सेम चीज हो रहा है आप देख रहे हैं कि लोग जो है भड़के हुए हैं थम्स डाउन आफ्टर मार्केट थम्स डाउन ट्रस्ट मेक्स यू टर्न ऑन टैक्स कट सो द सेम थिंग ऑल टुगेदर दैट पीपल विल स्टार्ट रिएक्टिंग सो ये चीज दिखाएगा दिस इज समथिंग विच विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड फनी इन टू बिलियन डॉलर ये तो विन कर ही चुके थे ना तो यहाँ पे दूसरे को इनपुट नहीं करेंगे सो यहाँ इंडायरेक्टली प्राइवेटाइजेशन हो गया है हमारे बी एस एन एल का तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि आपका जो जीडीपी है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली आर ऑल दस्ट फोरकास्ट फोरकास्ट पे आपको फोकस कभी नहीं करना है बट आपको जो है मार्केट समझना है एंड समझने के बाद जो है आपको फिगर आउट करना है हाउ द मार्केट इज गोइंग टू ग्रो सो बिकॉज ये जितने भी सारे फिगर्स हैं दीज आर ऑल फोरकास्ट दीज आर ऑल एनालिसिस और ये किस बेस पे एनालिसिस करते हैं आपके लाइफ में रियल लाइफ एनालिसिस जब आप करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा सो so, ग्रोथ जो है हमें पता चल रहा है कि जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि आपका जो ये जो रश आपको देखने को मिल रहा है अमाउंट ऑफ़ देखने को मिल रहा है और दिसंबर तक चलने वाला है फिर न्यू ईयर के बाद देखेंगे मार्केट जो स्लोली है वो डिक्लाइन करने की डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा कंजम्पन विल गो डाउन एंड पीपल विल नॉट अ शॉर्टेज ऑफ मनी अमॉन्ग एवरी वन सो दैट इज वाई हाईली रिकमेंड यू डोंट

दो uh, 2020-2021 का जो आपका मतलब ब्लॉक था वो अभी फुलफिल हो रहा है सो दिस इज नथिंग न्यू एक्चुअली दिस शुड बी दिस दिस इज वेरी नॉर्मल एंड ये कितने दिन सस्टेन करेगा दैट इज समथिंग टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन क्रेडिट इज ओवर वरीज ऑन फाइनेंशियल तो यहाँ पे वही हो जाता है कि बड़े बड़े कंपनीज होते हैं स्टॉक इज बाई फॉर द ब्रीफ तो ये सारे बड़े-बड़े कंपनीज होते हैं वो अपने बुक्स को कुक करते हैं तो इस इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये अमेरिका में भी होता है इंडिया में भी होता है जैसे इंडिया में येस बैंक का हुआ था उसी तरीके से लेमन ब्रदर्स का भी हुआ था अभी क्रेडिट सुइस का भी हो रहा है तो दिस इज न्यू एक्चुअली सो यू है टर्की का हालत बहुत ख़राब है क्योंकि टर्की में अब एटी थ्री परसेंट जो है इन्फ्लेशन है यहाँ पे इंडिया में दस बारह परसेंट है वहाँ पे एटी थ्री परसेंट इन्फ्लेशन है वही हमें देखने को मिल रहा है बिकॉज टर्की uh, का जो गवर्नमेंट है दैट इज टेकिंग एंड दे आर यू यू नो नो नॉट रियली वर्किंग वेल विद एनी वन सो दैट्स वाई टर्की स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल सी जब भी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है तो वहाँ पे सोशल अनरेस्ट होता रहता है

सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे आज का न्यूज जो है थोड़ा तो जल्दी जल्दी मैंने कवर कर लिया है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस को मुझे बताएगा कोई न्यूज अगर मैं मिस आउट कर दिया मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा इट टुमारो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्स्त्री मस्त्र एंड एंजॉय योर हॉलीडेज टेक केयर बाय जय हिंद